देवभूमि हिमाचल, जहां साक्षात देवी देवता वास करते हैं। हिमाचल में छोटी काशी कहे जाने वाली मंडी की बात करें तो यहां के लोगों में आस्था की चरम सीमा रहती है। आस्था और विश्वास लोगों की भावना को भी प्रकट करता है। इसी भावना में लीन होते हुए छोटी काशी में शनिवार को श्री सत्य बालकेश्वर मंदिर परिसर में शाम के समय में भजन संध्या का आयोजन किया गया। शनिवार को मंडी स्थित श्री सत्य बालकेश्वर मंदिर परिसर में आयोजित भजन संध्या के दौरान स्थानीय कलाकारों ने देव सत्य बालकेश्वर, बड़ा देव कमरुनाग, माता टारना सहित अनेक देवी देवताओं का गुणगान किया। इस भजन संध्या में श्रद्धालुओं ने मानसिक रूप से आस्था के सागर में डुबकी लगाई और अपने मन को पवित्र किया। बारे में हमने भजन स्तुति की, प्रार्थना की, आरती की, तो सच्चे मन से अगर इंसान इन देवताओं को आराधता है, याद करता है, तो उसके मन में जरूर ऐसा परिवर्तन तो हो ही जाता है। औरतों ने बहुत अच्छे ढंग से भजन गाए, कीर्तन किए और पूरा जो मोहल्ले के पूरे मोहल्ला बसी था, सब उसमें मगन थे। डांस, नाच, सब इतने मस्त हुए जैसे कि भोला जी अपने कैलाश में मस्त। आज बहुत खुशी हो रही है और बहुत खुशी का माहौल है। ये परंपरा बहुत बुजुर्गों से चली आ रही है और हम आज के नौ विभूत और हम बुजुर्ग भी इस परंपरा को निभा रहे हैं। हमने सबसे पहले बालकेश्वर, जो कि यहाँ पर मल्ले में ही हमने मंदिर बनाया है, हमने देव के दर्शन किए और रल मिल के सारी संगता वहाँ पर भजन कीर्तन किया, तो हमें बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। मानो शिव भगवान नीचे धरती पर उतर आए और हमको अमृत की वर्षा बरसा रहे हैं। हम धन्य हो गए। हम आज बहुत ही धन्यवादी हैं अपने बुजुर्गों के, जिन्होंने ये परंपरा सदियों से चला रखी है। आपको बता दें कि ये आयोजन पारंपरिक रीति के अनुसार किया गया है। स्थानीय निवासी तारू राम ने बताया कि पारंपरिक मान्यता के अनुसार इस अनुष्ठान से महामारियों से मुक्ति मिलती है और बुराई का अंत होता है। देव बालकेश्वर, तारना माता जी का और जालपा माता जी का, ये हमारे पूर्वजों के समय किससे हुआ कार्य चला आ रहा है। इनको जो हम जो है अपनी श्रद्धा भक्ति से जो है अपनी जो है जाकर चढ़ाते हैं। हमारे बुजुर्गों के समय से पहले जो है डॉक्टर वगैरह बहुत कम होते थे, यहाँ जो है महामारी का फैलाव होता था, तो तब से हमारे बुजुर्गों ने जो है इन अपने इष्टों को, ये हमारे इष्ट हैं, इन इष्टों को मानकर जो है भी महामारी के प्रकोप से, जिसमें जैसे माता निकलती थी जिसको जो है चिकन पॉक्स भी कहा जाता है, वैसी बीमारियाँ काली खुंगी वगैरह, और उसको जो है दूर दूर उसका निवारण दूर करने के लिए इन देवताओं का जो अपना जो हम जो है श्रद्धापूर्वक जो है हर साल जो है या बनाते हैं इस आषाढ़ महीने के जो हमारा साझा दिन होता है हार महीने का, उसको बनाया जाता है। और इसके लिए जो हम जो है हर जो है एक रात्रि पहले दिन जो है उसका जगराता भी करते हैं। पिछले कल भी हमने यहाँ जो है जगराता बड़े पूरा पर्व के साथ बनाया गया और बड़ी श्रद्धा के साथ सभी बाल बच्चे छोटे बच्चे माँ बहनें सब बेटी जो है सभी जो है यहाँ ये श्रद्धा से जो है जो है यह कार्य किया, तभी से जो लेकर जो है पूर्व समय से लेकर अब तक जो हम इसको मनाते जा रहे हैं। इस दौरान भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई और श्री सत्य बालकेश्वर का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान पूरे पंडाल को भी भव्य और आकर्षक ढंग से सजाया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज मंडी। Let's go.
सनातन धर्म कलंदर, हरिदास धर्म कलंदर, सनातन धर्म कलंदर, सनातन धर्म कलंदर, सनातन धर्म कलंदर, अनुपात कलंदर, भोलो